इस नए मॉड्यूल में हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन जैसे अपने नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम सॉलिड फेज इस्तेमाल करेंगे। एक एचपीएलसी कॉलम के अंदर भी हमने फेजेस इस्तेमाल की थी, सिलिका जेल को एज ए बेड इस्तेमाल किया था और मुख्तलिफ कंपाउंड को सेपरेट किया था। तो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन में भी वही सिलिका जेल जिसकी केमिस्ट्री बाज़ूकत रिवर्ट कर दी जाती है, यानी पोलर की बजाय नॉन पोलर या उसे आयनिक बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीक बेसिकली सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमारी जरूरत है, सैंपल एनरिचमेंट की जरूरत है। मसलन वाटर के अंदर मौजूद पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, बहुत ज्यादा वाटर के अंदर इनकी क्वांटिटी पर लीटर में भी नैनोग्राम के अंदर या मिलीग्राम के अंदर आपका एनालाइट मौजूद है। अगर एज सच हम एचपीएलसी पर रन करें तो हमें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, हमारी एक्सट्रैक्शन, हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक वो इसको असेस ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें सैंपल को एनरिच करके और एफ्लाटॉक्सिन्स की या पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की मकदार को बढ़ाने की जरूरत होती है। इस मकसद के लिए हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब लेदर टेक्सटाइल के सैंपल्स हों तो वहां अमीन्स मौजूद हैं, टॉक्सिक अमीन्स, जिनको सेपरेट करने के लिए हम एनरिच करते हैं। सबसे पहले ये वो डिवाइस है, ये सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, जिसको हम एक्सट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं, और ये कार्ट्रिजेस हैं, सिलिका जेल बेस्ड कार्ट्रिजेस या उसकी केमिस्ट्री को चेंज करने के बाद जिनसे कार्ट्रिज बनाई गई हैं। जब हम सैंपल को इसमें से रन करेंगे तो सैंपल और उसके इंटरफेरिंग कंपाउंड्स बाजुकात वो इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। चूंकि ये प्रेशर के साथ फिल की गई है, इसलिए इसमें से सॉल्वेंट एज सच रन करना आसान काम नहीं है। इसीलिए इसके साथ वैक्यूम भी इंस्टॉल किया जाता है। इस वैक्यूम के बाद इसमें से सैंपल पास करवाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त हमें टेस्ट ट्यूब्स नजर आ रही हैं जो सैंपल कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन जब हम इसे फ्लश करते हैं या सैंपल को पास करवाते हैं तो फिर हम इन टेस्ट ट्यूब्स को इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं और हमारा सैंपल एज सच लेटर्स ऑफ सैंपल इसमें से पास करवाया जा सकता है, जिसके बाद टेस्ट ट्यूब लगाकर हम बहुत थोड़े से सॉल्वेंट के अंदर जिसमें हमारा एनालाइट सॉल्युबल है इन टेस्ट ट्यूब्स में अपने सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन के लिए दो किस्म की कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, रिटेंशन ऑफ एनालाइट, यानी हम एनालाइट को इस वक्त रिप्रेजेंट हम इस येलो पार्ट से कर रहे हैं। एनालाइट को हम इस कार्ट्रिज पे रिटेन करवाएंगे और जो इंटरफेरिंग कंपाउंड्स हैं उनको इससे वॉश आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहली टेक्निक वो कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग से मुराद हमारा ये सॉलिड सिलिका जेल, सॉलिड सपोर्ट, हम इसे वेट करने के लिए, अब वेट नॉर्मली तो सिर्फ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंडीशनिंग हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के जरिए भी करते हैं। तो इसकी वेटिंग के लिए, ताकि इसमें से कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएं, ये एक ही जैसी सरफेस बन जाए, इसमें से हम किसी लिक्विड को पास करेंगे। मिसाल के तौर पे हम मेथनॉल से इसकी कंडीशनिंग करवा सकते हैं अगर हमें ये मालूम है कि जिस सैंपल को हमने पास करना है वो वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर और मेथनॉल आपस में मिसेबल हैं। और एक दफा मेथनॉल से कंडीशनिंग के बाद जब हम वाटर लेयर को इस पर रन करेंगे तो ये दोनों आपस में मिसेबल होंगे। यकीनन हम वाटर बेस्ड सैंपल्स को किसी ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट से कंडीशनिंग करवा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाटर बेस्ड सैंपल को जब हमने रन किया तो इसमें एनालाइट प्लस इंटरफेरिंग कंपाउंड्स, यानी ये येलो कलर के कंपाउंड और ये रेड से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी इस बेड पे डिपॉजिट हो गए। इसके बाद मे बी हमारा ये इंटरफेरिंग कंपाउंड्स को आयनिक इन नेचर हो तो हम बफर को पास करवा सकते हैं। बफर्स हमारे इस एनालाइट को तो कुछ नहीं कहेगा जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं, लेकिन जो सॉल्ट बना सकेंगे और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इस बफर के जरिए वॉश आउट हो जाएंगे। क्योंकि पहले हमने वाटर रन किया था इसलिए अब बफर को आराम से रन करवाया जा सकता है। वॉशिंग के बाद हम दोबारा वाटर रन करें और उसके बाद मेथनॉल को रन करें तो हमारे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सॉल्युबल हैं वो इल्यूट आउट हो जाएंगे। तो हमने एक स्टेज पर
आपने एनालाइट को रिटेन करवाया इस कार्ट्रिज पर और फाइनली हमने इसको एल्यूट आउट करवा लिया। एक और कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल करते हैं रिटेंशन ऑफ इंटरफेरिंग कंपाउंड्स, कि हम इंटरफेरिंग कंपाउंड्स को रिटेन करवाएं और एनालाइट को एज सच उसमें से पास आउट करवा लें। अगेन स्टार्ट करने के लिए हमें कंडीशनिंग की जरूरत होगी, हमने पहले वेटिंग की अपने इस कार्ट्रिज की, उसके बाद हमने सैंपल अप्लाई किया। पिछली एग्जांपल को ये ख्याल करें तो हमने सैंपल अप्लाई किया, वाटर बेस्ड सैंपल था। अगर हम कार्ट्रिज ऐसे यूज करें जो आयन एक्सचेंज कार्ट्रिज हो, मतलब वो हमारे इंटरफेरिंग कंपाउंड्स को तो अपने साथ रिटेन कर ले जो आयनिक इन नेचर हैं, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम निकालना चाह रहे हैं, सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, वो इस पे सॉल्युबल ना हो या इस पे डिपॉजिट वक्ती तौर पे हो, फाइनली निकल आए, हम मेथनॉल को रन करेंगे और ये एल्यूट आउट हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशनिंग हमने मेथनॉल से की इनिशियली, इसके बाद हमने वाटर बेस्ड सैंपल को इस पे पास किया, फिर मेथनॉल ही के साथ इसे रन किया तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से एल्यूट आउट हो गए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम आगे जब डिस्कस करेंगे मजीद कंडीशंस को या डिफरेंट कंडीशंस को जिसमें हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं, वो मुस्तकिल हमारे साथ रहेंगी। जैसे सॉर्बेंट, ये कार्ट्रिज की केमिस्ट्री को, कार्ट्रिज पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है, कायरल है, इस पे बेस करते हैं हम इसे सॉर्बेंट कहते हैं। तो सॉर्बेंट की केमिस्ट्री या इस कार्ट्रिज की सिलिका जेल की केमिस्ट्री मुख्तलिफ हो सकती है, ये पॉलीमेरिक भी हो सकती है, ये जेल बेस्ड भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स से मुराद, हमने इसको इनिशियली भी स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि वाटर बेस्ड, अगर हमने वाटर में से कोई एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, अगर सॉयल तो सॉयल एज सच नहीं, सॉयल को भी हमने किसी वाटर में या ऑर्गेनिक लेयर के अंदर पहले डिजोल्व किया होगा, तो हमारा मैट्रिक्स इस वक्त ये लिक्विड है जिसमें से हमने एनालाइट को सेपरेट करना है। एनालाइट कोई एक सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है और एक कंपाउंड की क्लास भी हो सकती है, जैसे हम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की बात करें तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। हम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को अलग करने के लिए एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और एनरिच कर लेने के बाद कौन से पेस्टिसाइड रेजिड्यूज किस क्वांटिटी में मौजूद हैं उनके लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग के पर्पज के लिए हमें कुछ सॉल्वेंट्स की जरूरत होगी जो वॉश करने के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी इंटरफेरिंग कंपाउंड्स को उसमें से सेपरेट आउट करेंगे, और एनालाइट को निकालने के लिए फाइनली हम एल्यूशन या एल्यूटिंग सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनको हम अगली स्लाइड्स में भी रेगुलर यूज कर रहे होंगे।